नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का जो लेक्चर सीरीज है पार्ट टू में। और इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं आसाम का स्टेट लेवल एग्जाम्स में पूछे जाने वाले सारे जो क्वेश्चंस हैं उसका डिस्कस करते हैं। इस वीडियो लेक्चर में हम कवर करते हैं सारे जीके क्वेश्चन, और उसके साथ हम यहाँ पे हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी का सारा जो क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस का डिस्कस करने वाला हूँ। और इसके साथ करेंट अफेयर्स का रिलेटेड जो टॉपिक क्वेश्चंस प्रोबेबल और एक्सपेक्टेड है, आ सकते हैं कि आने वाले एग्जाम्स में ये सवाल पूछे जाए, वो सब सारे सवाल का यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। तो ये मेरा दूसरा लेक्चर है, पहला लेक्चर पहले आ चुका है, उसका जो कॉमेंट बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगा वीडियो लेक्चर का लिंक, है ना। तो आज का पहला सवाल देख लेते हैं। आज का पहला सवाल है, हु अमंग द फॉलोइंग फॉर्म शांति वाहिनी। नीचे दिए गए ऑप्शन में से किसने शांति वाहिनी बनाए थे, है ना। ये सवाल आपको मॉडर्न हिस्ट्री से मिला जाएगा। तो पहला ऑप्शन ये यहाँ पे गोमधर कुंवर, दूसरा ऑप्शन है कनकलता बरुआ, तीसरा ऑप्शन है पुष्पलता दास, चौथा ऑप्शन है मणिराम दीवान, है ना। तो पुष्पलता दास के बारे में कुछ जानना चाहिए हमको, क्योंकि ये एक फ्रीडम फाइटर थे, वो भी आसाम से, है ना। वो एक इंडियन एक्टिविस्ट भी रह चुके हैं, सोशल वर्कर थे, गांधीयन थे और एक लेजिस्लेटर भी थे। इन्होंने ही, पुष्पलता दास ने शांति वाहिनी और मृत्यु वाहिनी बनाए थे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे दो सवाल बन सकते हैं, एक है मृत्यु वाहिनी का, एक है शांति वाहिनी का। ये दोनों ही जो ऑर्गेनाइजेशन गुड ये पुष्पलता ने ही बनाया था। और उसके साथ ये जो कनकलता बरुआ के साथ इन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट जो 1942 में हुआ था, इसमें पार्टिसिपेट किया था, मतलब भाग लिया था, है ना। तो यहाँ पे इस सवाल का जवाब हो गया ऑप्शन नंबर सी, दैट इज पुष्पलता दास, है ना। तो दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर टू है, हु अमंग द फॉलोइंग इज वन ऑफ द त्रिमूर्ति ऑफ असमिस लिटरेचर। मतलब असमिस लिटरेचर में एक त्रिमूर्ति नाम से तीन लोगों को जाना जाता है। तो नीचे दिया गया ऑप्शन में से कौन ऐसा व्यक्ति है जो त्रिमूर्ति ऑफ असमिस लिटरेचर में उसको भी पुकारा जाता है। तो पहला ऑप्शन हुआ चंद्र कुमार अग्रवाला, दूसरा ऑप्शन है अनंत चंद्र अग्रवाला, ऑप्शन नंबर सी है आनंद चंद्र बरुआ, ऑप्शन नंबर फोर है ज्योति प्रसाद अग्रवाला, है ना। तो यहाँ पे जो त्रिमूर्ति ऑफ एसएमएस लिटरेचर है उसमें होता है चंद्र कुमार अग्रवाला, लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ और हेमचंद्र गोस्वामी। इन तीनों को मिलके हम आसाम में बोलते हैं त्रिमूर्ति ऑफ एसएमएस लिटरेचर। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, करेक्शन ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर वन, हालांकि यहाँ पे चंद्र कुमार अग्रवाल, है ना। तो तीसरा क्वेश्चन हुआ आज का, हु अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज बीरबोला। मतलब नीचे दिया गया ऑप्शन में से किसको बीरबोला के नाम से पुकारा जाता है या जाना जाता है ना। पहला ऑप्शन है कुशल कुंवर, ऑप्शन टू है कनकलता बरुआ, ऑप्शन सी है रानी गाइडिनेडू, ऑप्शन फोर है आइदो हेंडिको। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है कनकलता बरुआ। कनकलता बरुआ के बारे में थोड़ा जानना भी चाहिए, क्योंकि ये भी एक फ्रीडम फाइटर रह चुका है भारत का, है ना। तो कनकलता बरुआ का जन्म होता है 1924 में और इसका देहांत होता है 1942 में। इसको बीरबोला के नाम से जाना जाता है और उसको शहीद के नाम से भी जाना जाता है कनकलता बरुआ को, है ना। तो ये एक फ्रीडम फाइटर रह चुका है। और यहाँ से फिर से एक सवाल बन सकता है कि जो कनकलता बरुआ को किस इवेंट में या किस फ्रीडम मूवमेंट में उसको मारा गया था। तो यहाँ पे है कि उसको मारा गया था गोपुर में, वो 20 सितंबर 1942 में जब क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था। तो गोपुर में एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें वो फ्लैग लेके रास्ते में स्ट्राइक करते हैं। तो तभी उसी वक्त एक पुलिस स्टेशन में, गोपुर पुलिस स्टेशन में बगल में उसको हत्या की जाती है। तो ये घटना हुआ था 1942 में, है ना। तो इसका सवाल का जवाब हो गया ऑप्शन नंबर टू, दैट इज कनकलता बरुआ।
चलिए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं. विच अमंग द फॉलोइंग इज और आर द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट. नीचे दिया गया ऑप्शन में से कौन सा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है. पहला ऑप्शन है मानस नेशनल पार्क, दूसरा ऑप्शन है औरंग नेशनल पार्क, ऑप्शन नंबर 3 है काजीरंगा नेशनल पार्क, ऑप्शन 4 है बोट 1 एंड 3, है ना. तो आसाम में दो ऐसा नेशनल पार्क है जिसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया हुआ है. वो दो जो नेशनल पार्क है वो है मानस नेशनल पार्क और काजीरंगा नेशनल पार्क. तो करेक्शन हो गया ऑप्शन नंबर 4, दैट इज बोट 1 एंड 3. पांचवा क्वेश्चन आज का, इन विच एशियन गेम्स डिड भोगेश्वर बरुआ वोन ए गोल्ड मेडल. तो ये क्वेश्चन आप सोच सकते हैं कि इस बार एशियन गेम्स 2018 में हिमा दास ने जीता है गोल्ड मेडल या जो भी सिल्वर मेडल, तो यहाँ पे भोगेश्वर बरुआ का सवाल कैसे आ गया, है ना. तो ये क्वेश्चंस बैकग्राउंड में जाके पूछा जा सकता है ना. तो आसाम से ही बिलोंग करता है भोगेश्वर बरुआ. तो भोगेश्वर बरुआ ने किस एशियन गेम में गोल्ड मेडल जीता था, तो ये सवाल है यहाँ पे. तो ऑप्शन है 1951, ऑप्शन है 2018, ऑप्शन नंबर 3 है 1982 और ऑप्शन 4 है नन ऑफ द अबव. तो इसमें करेक्ट जो आंसर है उसमें है नन ऑफ द अबव, क्योंकि भोगेश्वर बरुआ जो गोल्ड मेडल जीता था वो 1966 का जो एशियन गेम्स हुआ था बैंकॉक में, उसमें ही उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, है ना. वो भोगेश्वर बरुआ एक फॉर्मर एथलीट और कोच भी रह चुका है भारत का, ठीक है. तो आज का सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं, हु इज द फर्स्ट इंडियन टू विन गोल्ड मेडल फॉर इंडिया इन द ट्रैक इवेंट इन द वर्ल्ड लेवल. ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक ऐसा भारतीय जिन्होंने पहला गोल्ड मेडल जीता है ना ट्रैक इवेंट में, वो भी वर्ल्ड लेवल में. तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आने वाले एग्जाम्स में, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो यहाँ पे पहला ऑप्शन हुआ दुटी चंद, दूसरा ऑप्शन हिमा दास, तीसरा ऑप्शन भोगेश्वर बरुआ और चौथा ऑप्शन है मिल्खा सिंह, है ना. मिल्खा सिंह जो मूवी बनाए थे, ठीक है. तो हिमा दास को यहाँ पे डिंग एक्सप्रेस से भी जाना जाता है. उन्होंने ही गोल्ड मेडल जीता था, भारत का पहला गोल्ड मेडल जीता था ट्रैक इवेंट में. वो कहाँ पे जीता था, वो IAAF वर्ल्ड अंडर 20 चैंपियनशिप में जीता था. वो कहाँ हुआ था, वो टेम्पेरे फिनलैंड में हुआ था, है ना. और प्रेजेंटली हिमा दास जो है वो एक नेशनल रिकॉर्ड सेट किया हुआ है 400 मीटर रेस में, है ना. 50.79 सेकेंड है वो नेशनल रिकॉर्ड बनाया हुआ है. तो यहाँ पे ऑप्शन हो गया करेक्ट ऑप्शन हिमा दास, ऑप्शन नंबर 2, है ना. अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन विच इवेंट्स डिड हिमा दास वोन मेडल्स इन एशिया 2018. ये सवाल जब आप देखते हैं कि हिमा दास तो ठीक ही है गोल्ड मेडल जीता है वो ठीक है, लेकिन एशिया 2018 क्या चीज है ना. तो एशिया जो है वो एशियन गेम्स का ही दूसरा नाम है. वो मतलब एशियन गेम्स को हम एशिया के नाम से भी जानते हैं, जाना जाता है. वो जो एशियन गेम्स है वो एक मल्टी स्पोर्ट इवेंट होता है, वो हर 4 साल के बाद ऑर्गेनाइज किया जाता है. तो इस साल जकार्ता पलेमबांग में ऑर्गेनाइज किया गया था, है ना. जकार्ता और पलेमबांग में ऑर्गेनाइज किया गया था, वो है इंडोनेशिया में, है ना. तो और जो हिमा दास है इसके अगर बात करें तो रिसेंटली इसको आसाम का एम्बेसडर फॉर स्पोर्ट्स भी डिक्लेयर किया गया है ना. तो इस वजह से ये क्वेश्चन बहुत मतलब इंपॉर्टेंस आ जाता है, इस क्वेश्चन का पूछा जा सकता है आने वाले एग्जाम्स में. तो ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, पहला ऑप्शन वुमेन्स 4x400 मीटर, नंबर 2 ऑप्शन है मिक्स 4x400 मीटर, ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर 3 है जो है 400 मीटर और ऑप्शन 4 है ऑल ऑफ द अबव, है ना. तो करेक्ट आंसर क्या है देख लेते हैं. यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव, मतलब जो हिमा दास है जो एशियन गेम्स में
सारे जो मतलब यहाँ पे ऑप्शंस दिया हुआ है, तीनों ऑप्शन, इन तीनों इवेंट्स में उन्होंने मेडल्स जीते थे। वुमेन्स जो 4x400 में उसमें गोल्ड जीता था, मिक्स 4x400 मीटर में सिल्वर जीता था, और 400 मीटर में सिल्वर जीता था इस हिमा दास ने। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु कंडक्ट्स द पंचायत इलेक्शन इन असम? आसाम में पंचायत इलेक्शन कौन ऑर्गेनाइज करता है ना? तो पहला ऑप्शन है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ आसाम, सॉरी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है ऑप्शन नंबर टू में। थर्ड ऑप्शन है चीफ मिनिस्टर, फोर्थ ऑप्शन है गवर्नर, है ना? तो आसाम में पंचायत इलेक्शन होने वाला है, तो ये सवाल का इंपॉर्टेंस भी बढ़ जाता है। तो देखते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो कंडक्ट करता है किस किस का इलेक्शन। वो कंडक्ट करता है इलेक्शन प्रेसिडेंट का, वाइस प्रेसिडेंट का, लोकसभा का, राज्यसभा का और स्टेट लेजिस्लेचर का, है ना? तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन का खरे होने का संभावना बिल्कुल भी नहीं रह गया है, क्योंकि ये पंचायत का इलेक्शन कंडक्ट नहीं करता है। तो कौन करता है पंचायत का इलेक्शन? ये पंचायत इलेक्शन जो कंडक्ट करता है वो है स्टेट इलेक्शन कमीशन। स्टेट इलेक्शन कमीशन कंडक्ट करते हैं पंचायत और म्यूनिसिपलिटीज का इलेक्शन। यहाँ पे तो फिर आंसर करेक्ट हो गया, इलेक्शन कमीशन ऑफ आसाम, है ना, ऑप्शन नंबर 1। तो आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। थ्रू विच एक्ट पंचायती राज वॉज कॉन्स्टिट्यूशनलाइज्ड इन इंडिया? तो यहाँ इस सवाल का पहला ऑप्शन है 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992, ऑप्शन नंबर 3 है 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992, और ऑप्शन 4 है 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, है ना? और इसके रिलेटेड पंचायती राज के रिलेटेड कुछ डिस्कस कर लेते हैं। ये जो पंचायती राज है वो हमारे जो आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का उसमें 243 टू 243 ओ तक इसका प्रोविजंस दिया हुआ है ना? और जो ये पंचायती राज है ये 11th शेड्यूल में है और पार्ट 9 में है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, है ना? तो ऑप्शन यहाँ पे सही ऑप्शन है 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992, मतलब इस 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा ही भारत में पंचायती राज लाया गया था, है ना? तो आज का आखिरी सवाल देख लेते हैं। वेयर इज हयाग्रीव माधव टेम्पल सिचुएटेड? ये जो हयाग्रीव माधव टेम्पल है किस जगह में स्थित है ना? ऑप्शन नंबर 1 मोनिकोट हिल, ऑप्शन नंबर 2 नीलाचल हिल, ऑप्शन नंबर 3 ओगरी हिल और चौथा ऑप्शन हुआ चित्रासल हिल, है ना? जो जहां तक सवाल है इस ऑप्शंस दिए हुए ऑप्शंस में से कोई भी सवाल बन सकता है। नीलाचल हिल में दोस्तों है कामाख्या टेम्पल, है ना? नीलाचल में है कामाख्या टेम्पल, चित्रासल हिल में नवग्रह टेम्पल है, और ओगरी हिल में जैन स्टेच्यू ऑफ कनकलता बरुआ है, मतलब एक बड़ा सा जो स्टेच्यू है कनकलता बरुआ का वो स्थित है ओगरी हिल में। तो इस सवाल का जवाब हो गया ऑप्शन नंबर 1 मोनिकुट हिल, जो कि हाजू में है ना? मोनिकुट हिल में क्या है, हयाग्रीव माधव टेम्पल है ना? तो चलिए दोस्तों आज का ये क्विज है, टुडेस क्विज। तो यहाँ पे दो सवाल आपको पूछा जाएंगे और ये दो सवाल के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, इन विच ईयर द बैटल ऑफ सरायघाट वाज फॉट? किस साल में बैटल ऑफ सरायघाट का जो लड़ाई युद्ध हुआ था वो किस साल हुआ था, है ना? ऑप्शन नंबर 1 है 1871, ऑप्शन नंबर बी है 1671, ऑप्शन सी है 1781, ऑप्शन डी है 1667, है ना? तो आज का दूसरा क्वेश्चन वो है, व्हाट इज द मिनिमम एज टू बिकम एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ गवर्नर? तो गवर्नर बनने के लिए मिनिमम एज, उम्र कितना होना चाहिए, है ना? यहाँ पे नीचे ऑप्शंस दिया गया है, तो इन दोनों सवाल का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे, है ना? तो अगर इस वीडियो लेक्चर को पसंद आया हो या
आप लोग सोचते हैं कि आपके आने वाले एग्जाम्स में हेल्प कर सकता है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा अगर लगता है कि यह वीडियो हेल्पफुल हो सकता है ना। तो ये मेरा दूसरा वीडियो लेक्चर था, पार्ट टू था, और इसके बाद पार्ट थ्री आने वाला है। सो देखिए, इंजॉय करिए, थैंक यू।